हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे। सबसे पहले स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिमी बढ़ाकर में। गाइस, आज का जो वीडियो ज़बरदस्त होगी गाइस, तो ज़बरदस्त होगी। आज ग्रैंड फिनाले है गाइस फुटबॉल का, ये समझ लीजिए मक्का है गाइस। आज फाइनल मैच, ज़बरदस्त एग्जिबिशन मैच होगी। सबसे पहले कुल्टी वेटरन्स और साथ ही साथ बरनपुर वेटरन्स के बीच। तो ये जो ग्रीन जर्सी में है, एक कुल्टी वेटरन्स के प्लेयर्स हैं, और ये ब्लू जर्सी में है बरनपुर वेटरन्स गाइस। तो सबसे पहले इससे लक्ष्मणपुर फुटबॉल ग्राउंड में वेटरन्स से एग्जिबिशन मैच होगी, उसके बाद ये ग्राउंड फिनाले मैच होगी गाइस। तो बस बने रहे वीडियो में ज़बरदस्त मैच के लिए, फाइनल मैच के लिए गाइस। और दो वेटरन्स प्लेयर्स टीम्स वो ग्राउंड में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है गाइस, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ग्राउंड में उतरते हुए गाइस, सबसे पहले बॉल एकदम बिल्कुल रेडी, और साथ साथ रेफरी ऑफिशियल्स और दोनों टीम कुल्टी वेटरन्स और बरनपुर वेटरन्स प्लेयर्स उतरते हुए गाइस। तो गाइस देखिए, गेस्ट जो है वो प्लेयर से मिलते हुए गाइस। नमस्कार, लक्ष्मणपुर फुटबॉल क्लब आयोजित मेमोरियल चैलेंज फुटबॉल टूर्नामेंट फाइनल खेलार आगे अनुष्ठित होच्छे अति दिनेर फुटबॉल लक्ष्यतोदेर निये एक्सिबिशन फुटबॉल मैच। अंशग्रहणकारी दुटी दल कुल्टी एक्स प्लेयर्स एसोसिएशन एवं बरनपुर एक्स प्लेयर्स एसोसिएशन। आमादेर सर्वानी अतिथिरा समस्त खेलोयाड़देर संगे परिचित होच्छेन, तादेर प्रोत्साहित करछेन। अति दिनेर उज्जवल लक्ष्यतोदेर বিনোদন মার্কেট এই অঞ্চলের খেলাধুলার মান এক উন্নত শিখর পৌঁছে দিয়েছে। তারা ঝলক এখানে প্রদর্শন করবেন। এখন প্রদর্শনমূলক খেলায় অংশগ্রহণকারী দুটি দল বরপুর প্রাক্তন খেলোয়াড়রা এবং কুলটি প্রাক্তন খেলোয়াড়রা অফিসিয়ালস হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন, যে সমস্ত অফিসিয়ালসরা তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ। দর্শক যাদের নৈপুণ্য দক্ষতা দিয়ে শত শত দর্শক উৎসাহিত হয়েছেন, তাদের অকুণ্ঠ প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। আজ সেই অতীত দিনের ম্যাচ, প্রদর্শনীমূলক খেলা বেস্ট প্রাইজ আলমারি ভি গাইজ, বহু জবরদস্ত প্রাইজ। ग्रीन जर्सी में कुल्टी के वेटरन्स प्लेयर है, टीम है, और ब्लू जर्सी में दर्शक यहाँ पर उनके लिए भी एक इंतजाम है। जर्सी में बरनपुर वेटरन्स है गाइस, हर बार की तरह आज भी लॉटरी का इंतजाम है और फिर मिलता है एक उपहार जर्सी मिलेगा, अगर जिसका भी नाम वो लकी ड्रॉ में आएगा और तो यहाँ पे वो भी मिलता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर लक्ष्मणपुर फुटबॉल क्लब की पूरी कमेटी को। और फिलहाल यहाँ पे मैन ग्री के पास पोजीशन है, पोजीशन यहाँ पर एक बार फिर से अगर देखा जाए और दर्शक अगर बात करें तो बिल्कुल धीरे धीरे यहाँ पर रौनक बढ़ाते हुए अपनी मौजूद मुगमा एफ सी और तेजस्वनी एफ सी के बीच में, हालांकि फाइनल जीता था वहाँ पर तेजस्वनी 1-0 से, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए आज का बहुत अच्छा माइनस बरनपुर के प्लेयर द्वारा। एक बार फिर बॉल कुल्टी वेटरन्स
के पास बहुत अच्छा कटिंग करते हुए 14 नंबर का जर्सी में। बहुत ही बढ़िया एफर्ट था यहाँ पर, प्रयास किया था लेकिन अच्छा वहाँ पर क्षेत्र रक्षक बेहतरीन मौका था गोलकीपर के प्लेयर्स के पास। और ये गोल हो सकते थे गाइस, बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पर। 12 नंबर के जर्सी में, ग्रीन जर्सी में भाई खेल रहे हैं जो कैप्टन भी है कुल्टी वेटरन्स के, एमडी गफ्फार। और बेहतरीन पास दिए 10 नंबर के प्लेयर को, कुल्टी वेटरन्स के पास अभी बॉल है। बहुत अच्छा पास देते हुए गाइस 1:1 के हिसाब से खेल रहे हैं। बहुत अच्छा पास, पासिंग गेम, बहुत अच्छा पास है गाइस, बहुत अच्छा पास। ये मौका हो सकता है, बहुत अच्छा माइनस किया है गफ्फार। 12 नंबर के जर्सी में खेल रहे हैं, इनके पास पोजीशन है, अगर देखा जाए तो कोशिश कर रहे हैं यहां पर आया था लेकिन अच्छा वहां पे फ्लॉप है। जबरदस्त मैच चल रही है कुल्टी वेटरन्स, बहुत अच्छा शॉट लेकिन कुल्टी वेटरन्स के बाद बहुत अच्छा माइनस ये गोल हो सकता है लेकिन बॉल के पास पहुंच नहीं सके। कुल्टी के लिए सुनहरा मौका था गाइस, बिल्कुल इशारा चाहिए था फुटबॉल को, शाली को चूमने का गोल्डन अपॉर्चुनिटीज थी जो दे रहे थे गाइस। बहुत ही बढ़िया क्रॉस आया था एक बार फिर बॉल ले जाते हुए कुल्टी वेटरन के प्लेयर, अच्छा पास लेकिन वो क्लियर कर दिया है बलपुर के वेटरन से प्लेयर। बहुत अच्छा पास दिया लेकिन बनपुर के प्लेयर क्लियर कर दिया है। एक बार फिर बॉल कुल्टी वेटरन्स के प्लेयर गफ्फार के पास, 12 नंबर के जर्सी में खेल रहे हैं। बहुत अच्छा पास 10 नंबर के प्लेयर को, वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पास, ये गोल हो सकता है। देखिए बेहतरीन बहुत अच्छा माइनस किया है लेकिन फिर अभी भी बॉल कुल्टी वेटरन्स के प्लेयर के पास, ये बहुत अच्छा बोल रहे थे लेकिन वहाँ पर शॉट सटीक आया नहीं, वहाँ पर खिलाड़ी से दूर थे। ये एग्जीबिशन मैच चल रही है गाइस, ठीक है फाइनल मैच से पहले कुल्टी वेटरन्स और उसका मुकाबला कर रहे हैं बर्नपुर वेटरन्स के प्लेयर। ये दोनों बेहतरीन वेटरन्स प्लेयर को सम्मान करने के लिए एक बार अच्छा मौका था गाइस, लगभग ऐसा लग रहा था कि बॉक्स के अंदर थे लेकिन बढ़िया वहां पे शॉट किया, बॉल को क्लियर करने में कामयाब रहे। हर ग्राउंड की शान और खूबसूरती होती है दर्शक, और दर्शक बिल्कुल अपने वक्त निकाल कर वक्त दे रहे हैं इस टूर्नामेंट को, इस मेमोरियल चैलेंजर ट्रॉफी को, जिस तरह से हर साल की तरह इस साल भी रचने वाला इतिहास। 26 चैलेंजर ट्रॉफी और जिसका आज फाइनल होने वाला है, इस मैच के बाद, सेकंड मैच के बाद वो घड़ी का इंतजार है, वो वक्त, वो पल का इंतजार है जो लगातार वो पल बीतता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं नजदीक आता जा रहा है। दर्शक भी सोच रहे हैं ये मैच भी काफी अच्छा है, बहुत अच्छा मौका गाइस, ये गोल हो सकता है गाइस कुल्टी की तरफ से, ये गोल हो सकता है, गोल हो सकता है। अच्छा ब्लॉक किया, शॉट भी आया था लेकिन दिशा ही, बहुत अच्छा मौका था कुल्टी के लिए, टारगेट पे लेकिन टारगेट से काफी ज्यादा गाइस। जबरदस्त है फाइनल मैच, कुछ ही देर के बाद स्टार्ट होगी गाइस। सबसे पहले स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीवी बड़ाकर में गाइस, आप देख सकते हैं जबरदस्त दो टीम जेएमडी की टीम है गाइस और तेजस्विनी 11। ये तेजस्विनी ब्लू जर्सी में है और मैरून जर्सी में है गाइस जेएमडी के टीम, तो थोड़ी देर के बाद ये फाइनल मैच हो जाएगी गाइस। आप देख सकते हैं ये लक्ष्मणपुर फुटबॉल ग्राउंड है और जबरदस्त ऑडियंस जो है इससे ग्राउंड के चारों तरफ इकट्ठा हो गया गाइस फाइनल मैच देखने के लिए, और कुछ देर के बाद ये फाइनल मैच स्टार्ट हो जाएगा। सम्पादक एवं आसनसोल स्पोर्ट्स एसोसिएशन फुटबॉल विभाग के सम्पादक श्री सुखेंद्र, ये तेजस्विनी 11 के टीम है गाइस प्लेयर है और ब्लू जर्सी में खेलेंगे और साथ ही साथ मैरून जर्सी में उधर थोड़ा वार्म अप कर रहे हैं जेएमडी के टीम।
बस थोड़ी देर के बाद लाइन अप करके एक ग्राउंड में उतरेंगे गाइस। शुरू हो ड्यूटी डॉल माथे नामार जन्य प्रस्तुत। जो मोहन बगान के टीम में क्लब में काफी साल तक खेले हैं गाइस।26তম বর্ষের এই ফুটবল আমাদের চিন্তায় আমাদের মননে আমাদের চিন্তায় পুষিরাই। ফুটবল শুধু আজ খেলা নয়, সারা বিশ্বের ফুটবল এক উৎসব। তোমার প্রতি ফুটবলার রোনাল্ডিনোর ভাষায় আই রিয়েলাইজ দ্যাট ফুটবল ইন মাই হার্ট। তিনি তার পায়ে ফুটবল থাকত তখন তিনি ঈশ্বরকে অনুভব করতেন, এ তার নিজের বক্তব্য। তেমন ভাবে আমাদের অঞ্চলের ক্রীড়াপ্রেমী মানুষজন যারা ফুটবল খেলাকে তাদের ধ্যান জ্ঞান রূপে প্রমাণ করেছেন, যারা মাঠে এসেছেন, খেলেছেন, খেলা দেখেছেন, খেলোয়াড়কে উৎসাহিত করেছেন, আপনাদের সকলের কৃপা ধন্য এই লক্ষ্মণপুর ফুটবল মাঠ। হাজার হাজার মানুষ এসেছেন খেলোয়াড়কে উৎসাহিত করতে, খেলাকে ভালোবেসে। তাই তো বলা হয় সব খেলার সেরা বাঙালির তুই ফুটবল। এই ফুটবল বেঁচে থাকা আমাদের সেরাই পশিরাই। এই ফুটবলকে কেন্দ্র করেই আমাদের বেড়ে ওঠা। আসুন খেলোয়াড়দের পৌঁছেন সম্মান। এরপর জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটবে এবং তারপরেই শুরু হবে ফাইনাল খেলা জেম ডেল এভেন এবং ভারত ভাগ্য বিধাতা পঞ্জাব সিন্ধ গুজরাট দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গা ইন্দ্র হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্চল জলধি তরঙ্গা তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিষ মাগে গাহে তব জয় গাথা जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तो गाइस राष्ट्रगीत के साथ एक जबरदस्त मैच फाइनल मैच के लिए तैयार है। जेएमडी भाषण से जबरदस्त उत्साह दर्शकों के बीच में और बेहतरीन मैच देखने के लिए गाइस। শুরু হচ্ছে লক্ষ্মণ ফুটবল ক্লাব আয়োজিত মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ ট্রফি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা। অংশগ্রহণকারী দুটি দল জেএমডি ফুটবল ক্লাব এবং তেজস্বিনী ফুটবল ক্লাব। আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতায় উৎসাহ উদ্দীপনায় সুন্দরভাবে আয়োজিত হবে এই ফুটবল মাঠ। আসুন সকলে মিলে খেলা উপভোগ করি এবং এই খেলার মাধ্যমে উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যাই। ধন্যবাদ সকলকে যারা মাঠে রয়েছেন, প্রত্যেক অনুরোধ করছি মাঠ ছেড়ে দাঁড়ানোর জন্য। আমাদের খেলোয়াড়রা নেমে গিয়েছেন, আজকের খেলাগুলি পরিচালনা করছেন রসুল সোম फाइनल मैच खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है तेजस्वी 11 जो ब्लू जर्सी में खेल रहे हैं और मैरून जर्सी में जेएमडी की टीम है गाइस। इसमें आपका जेएमडी में चार फॉरनर्स नाइजीरियन प्लेयर है और तेजस्वी में आपका तीन नाइजीरियन प्लेयर है गाइस। बस थोड़ी देर में मैच स्टार्ट होने वाली है गाइस और रेफरी जो है वो विसल मार दिया है गाइस। इस तरह से फाइनल मैच स्टार्ट हो गई है। जबरदस्त भीड़ आप देख सकते हैं, जबरदस्त भीड़ है पूरी ग्राउंड में।
लक्ष्मण ठाकुर का ये बेहतरीन ग्राउंड एक बार फिर बॉल ले जाते हुए और ज़बरदस्त फाइनल मैच स्टार्ट हो गई है गाइस जीएमडी और तेजस सोनी के बीच लक्ष्मणपुर फुटबॉल ग्राउंड पर। बेहतरीन थ्रो फेंकते हुए और एक बार फिर बॉल आउट। तेजस्वी वर्सेस जेएमडी के बीच आप देख रहे हैं अभी फिलहाल फर्स्ट हाफ में जेएमडी की टीम एक गोल से बढ़त बनाए हुए है और जबरदस्त मैच यहां पर हो रही है। चारों तरफ देखिए ऑडियंस जो है पूरी ग्राउंड में एकदम भरी हुई है और बेहतरीन मैच सेकंड हाफ होने वाली है। एक गोल बराबर करने के लिए तेजस्वी टीम काफी मेहनत कर रही है गाइस। सम्मानित करते हुए गाइस आप देख सकते हैं आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के विधान उपाध्यक्ष जी जो है वो इस ग्राउंड में उपस्थित हैं। बहुत से ऑनरेबल गेस्ट यहां पर आए हुए हैं गाइस। প্রতিটি মাঠের শিশুর আবার মাঠমুখী হোক তাহলে সবার সুন্দর হবে পৃথিবী সুন্দর হয়ে উঠবে। আমাদের को सम्मानित करते हुए गाइस गर्ल्स टाइकोंडो प्लेयर है गाइस विधान उपाध्याय जी उनको सम्मानित करते हुए गाइस सम्मानित करा হচ্ছে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে সম্মানিত মহানগরী আসানসোল পূজ্য নিগম বিধান উপাধ্যায় তারে সম্মানিত করছেন হয়েছেন শারী শিক্ষা শিক্ষিকা মাদ্রাস মোড়ের শব্দ আমাদের শিল্পকারদের করেছেন আমাদের রাজ্য গর্বিত এই যে এখানে রাখা এবং যোগাসনের কোচ হিসেবে এই জলি মিত্র তাকেও সম্মানিত করছেন বিধান উপাধ্যায় সম্মানীয় মহানগরী अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छा सक्सेस किया है गाइस अचीवमेंट किया है गाइस और ज़बरदस्त फर्स्ट हाफ का मैच समाप्त हो गई है सेकंड हाफ का मैच चालू होने वाली है गाइस। और देखिए ये मोहन बगान में खेल चुके हैं चीफ गेस्ट के रूप में आया है गाइस सुब्रत रॉय जी और सब ठीक हाउ आर यू सब ठीक पाल सुंदर शांतिपूर्ण ठीक है गाइस सेकंड हाफ में मैच देखने के लिए तैयार रहिए गाइस। तीन बोन सह दीदी जी आज तरह सकल के अनेक शुभेच्छा रही और बड़ो हो आसनसोल उज्जवल करो धन्यवाद नमस्कार। फाइनल मैच का ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है और वेटरन्स प्लेयर्स कुल्टी को प्राइज देते हुए गाइस आप देख सकते हैं कुल्टी के प्लेयर्स ट्रॉफी लेते हुए गाइस जबरदस्त ट्रॉफी तो गाइस जबरदस्त है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन लक्ष्मणपुर फुटबॉल ग्राउंड पर गाइस। बनपुर के वेटरन्स प्लेयर वेटरन्स टीम बनपुर के जबरदस्त टीम जो एग्जीबिशन मैच में विनर हुए थे गाइस वो ट्रॉफी लेते हुए गाइस और जितने भी गेस्ट हैं उस जगह पर बैठे हुए हैं देख सकते हैं और ऑडियंस भी काफ़ी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में काफ़ी उत्साह के साथ इस जगह पर मौजूद है गाइस। तो फर्स्ट क्वार्टर फाइनल के लिए मैन ऑफ द मैच लेते हुए गाइस तेजस्वी के बेहतरीन प्लेयर Man of the match of the second match of this tournament from JMB
ফুটবল ক্লাব ধন্যবাদ তুমি দেখো স্যার तेजस सोनी की तरफ से ये इंडिविजुअल प्राइस लेते हुए गाइस गाइस विनर टीम जो है उनको इंडिविजुअल प्राइस लेते हुए गाइस बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दी जा रही है गाइस जेएमडी को बेस्ट गोलकीपर अवार्ड दी जा रही है पूरी टूर्नामेंट के लिए गाइस वाशिंग मशीन जेएमडी के प्लेयर को बेस्ट प्लेयर के रूप में गाइस मैन ऑफ द टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर ग्रुप में अवार्ड दी जा रही है गाइस फ्रीज दी जा रही है गाइस तेजस्वी के प्लेयर जो 2024 लक्ष्मणपुर फुटबॉल क्लब के द्वारा आयोजित की गई थी 2024 में ये लक्ष्मणपुर ग्राउंड में ये विनर ट्रॉफी जेएमडी के टीम चैंपियन हुई है गाइस ये बड़ी सी ट्रॉफी लेते हुए गाइस विनर्स ट्रॉफी के साथ 35,000 रुपीस गाइस जबरदस्त ट्रॉफी मुझे फुटबॉल हलो हमारे खावा हमारे हमारा फुटबॉल खेले बड़ो प्रोफेशनल चाह सबाई प्रोफेशनल खेलो पैसा नाओ
Thank you so much. तो इसके साथ ही एक खूबसूरत सा फाइनल मैच समाप्त हुई गाइस, और बेहतरीन टूर्नामेंट 2024 जो 26 सालों से होती आ रही है गाइस, 2024 का ये लक्ष्मीपुर फुटबॉल क्लब द्वारा, और फाइनल मैच जिसका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन समाप्त हुई गाइस, और जेएमडी की टीम चैंपियन हुई है 2024 मेंस टूर्नामेंट का गाइस, इस मेमोरियल चैलेंजर ट्रॉफी का गाइस। ছেলেগুলোকে দেখে আমাদের এইটা আর কিছু না।